हेलो एवरीवन आई एम श्वेता स्वागत है आपका एस डब्ल्यू टी बी कॉम क्लासेस में इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था चलिए अब शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ़ बिजनेस कम्युनिकेशन पहले दोस्तों हम जान लेते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है द कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस एज इट बिगिनस विद सेंडर एंड एंड वन द फीडबैक कम्स फ्राम रिसीवर टू सेंडर जैसा कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है सेंडर से जो सेंड करता है किसी मैसेज को और एंड होता है कोई भी फीडबैक जो रिसीवर देता है सेंडर को मिनिमम टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ द सेंडर एंड द रिसीवर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को करने के लिए दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं पहली सेंडर एंड रिसीवर क्योंकि सेंडर नहीं होगा तो कौन मैसेज सेंड करेगा अगर कोई सेंड नहीं करेगा तो किसी के द्वारा कैसे समझा जाएगा तो कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगेंस होगा इसलिए दो पार्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं किसी भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आइए दोस्तों अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जानते हैं क्या होता है फर्स्ट सेंडर सेंडर इज़ द पर्सन हु कन्वे द मैसेज द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिनस इमीडिएटली वेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर सेंडर वो व्यक्ति होता है जो मैसेज को सेंड करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट ही होता है तभी जब कोई भी आइडिया किसी भी सेंडर के माइंड में आता है तभी तो दूसरे को भेजता है ये ये सबसे पहला प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का नेक्स्ट मैसेज द कंटेंट ऑफ आइडियाज और मैसेज और सजेशंस विच सेंडर वांट्स टू शेयर विथ रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज मैसेज दोस्तों वो होता है जैसे कोई भी विचार है कोई भी मैसेज है या फिर कोई भी सुझाव है जो सेंडर रिसीवर के साथ शेयर करना चाहता है उसको बताना चाहता है तो उसको भेजता है उसको हम मैसेज कहते हैं इन कोडिंग रिसीवर कैनोट रीड द माइंड ऑफ सेंडर सो रिसीवर कन्वर्ट द आइडिया इन टू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिम्बल्स सच एज़ पिक्चर्स गेस्चर्स एट्सट्रा दिस इज़ नोन एज इनकोडिंग रिसीवर हमेशा सेंडर की माइंड को रीड नहीं कर पाता है कि वो क्या कहना चाहता है तो वो रिसीवर क्या करता है आइडिया को कन्वर्ट कर देता है किसी भी लैंग्वेज में या फिर कोई भी कम्युनिकेशन सिंबल में जैसे कि पिक्चर हो गया गैश्चर हो गया इसी को हम इनकोडिंग कहते हैं मीडिया It is the way or means through which encoded message has to be transmitted to receiver. The common ways of transmission are phone, letters, internet, etc. मीडिया ये एक ऐसा तरीका होता है एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू इनकोडेड मैसेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं रिसीवर को रिसीवर को मैसेज ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं हम लेटर के थ्रू कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं डिकोडिंग डिकोडिंग रिफर्स टू कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज इन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज डिकोडिंग कार्थ होता है किसी भी इंकोडेड मैसेज को कन्वर्ट करना लैंग्वेज में और उस मैसेज को समझना रिसीवर रिसीवर इज़ पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो कोई भी कम्युनिकेशन रिसीव्स करता है रिसीव करता है और उस मैसेज को समझता है फीडबैक आफ्टर the द मैसेज द रिसीवर सेंड इज़ on ऑन दैट आइडिया और मैसेज टू सेंडर response reaches the sender, then ओनली communication प्रोसेस एंड्स जब मैसेज रिसीवर तक पहुँचता है और वो उसको समझता है फिर उसको रिप्लाई करता है जो भी मैसेज है या फिर कोई भी विचार है उसके वापस में रिप्लाई देता है अगर सेंडर को जब अगर सेंडर को वो response मिल जाती है तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होती है नॉइस नॉइस इज एन एनी एलिमेंट विच रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन और इंटररप्शन इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नॉइस वो एलिमेंट होता है जिसकी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो होने में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है डिस्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू नॉइस द मैसेज इज़ नॉट कन्वेड टू रिसीवर एंड रिसीवर इज नॉट एबल टू डिकोड द मैसेज इन द सेम मैनर एज दे एक्सपेक्टेड बाई सेंडर जैसा कि हम सब जानते हैं नॉइस की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो मैसेज नहीं जा पाता है इस रिसीवर को फिर रिसीवर उस एबल नहीं होता है कि उस मैसेज को डिकोड करे उसी मैनर में जिस मैनर में सेंडर उससे एक्सपेक्ट करता है अब चलिए जान लेते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है पहला एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इट हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ ये दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने में हेल्प करता है नेक्स्ट प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ये हमारी हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स या पॉलिसीज को प्रिपेयर करने में बहुत मदद करता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम through various communication channels. It also taking necessary steps to solve the problems. ये business communication कोई भी problem solve करता है communication channel के through. ये बहुत सारे steps भी लेता है अगर कोई problem आ जाती है तो उसको solve करने के लिए दोस्तों इसमें एक word आया है communication channel. चलिए जान लेते हैं क्या meaning होती है इसकी Communication channel एक media का ही type होता है जो help करता है message को transfer करने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक Next, help grow customer base. One importance of communication एजुकेशन इन बिजनेस इज दैट अ कस्टमर इज़ विदाउट अ डाउट द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस बिजनेस रिलाई ऑन क्लाइंट्स फॉर देयर सर्वाइवल जैसा कि हम जानते हैं कस्टमर किंग होता है किसी भी मार्केट का कस्टमर पे ही बिजनेस डिपेंड होती है अपने सर्वाइवल के लिए हम जानते हैं कि ये तो बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड की तरफ की तरह होती है थैंक यू गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं